हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ब्लड और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। तो आज हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे, कैसे काम करता है, क्या काम होता है और इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो यदि आप प्लीज वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग टॉपिक में बढ़ते हैं। देखिए, जो प्लेटलेट्स होता है ये क्या होता है, हमारा एक प्रकार की क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती है। जैसे मैंने बताया था कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की मैंने बताया था। कौन कौन सा? आरबीसी, दूसरा बताया था डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो जो प्लेटलेट्स है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लिया है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट्स में। तो देखिए, जो मानव शरीर में प्लेटलेट्स का की जो संख्या होती है, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है 3 लाख पर mm³। प्लेटलेट की जो मानव शरीर में जो संख्या होती है वो होती है 3 लाख पर mm³। अब आप देखिए क्या होता है कि जब इसकी संख्या में जब गिरावट होती है, जब डेंगू मच्छर के काटने से क्या होता है कि डेंगू मच्छर के काटने से एक प्लेटलेट्स की जो कोशिकाएं होती है यही क्या होती है, क्षतिग्रस्त होती है। इन्हीं पे इफेक्ट करता है डेंगू जो होता है रोग, वो प्लेटलेट्स को ही प्रभावित करता है। तो होता क्या है कि प्लेटलेट्स जब डेंगू मच्छर काटता है तो ये प्लेटलेट्स जो होती है इनकी संख्या में तीव्रता से क्या होती है, गिरावट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति आती है कि जब 20,000 से 30,000 तक गिरते गिरते, स्टार्टिंग में तो 3 लाख रहती है, तो जब गिरते गिरते जब 20 से 30,000 तक जब पहुंच जाती है तो उस समय क्या होता है कि डेथ होने के जो चांसेस है वो 70 से 80% तक बढ़ जाते हैं। और फिर जब ट्रीटमेंट, जब इसका जो जब रिकवरी जब होती है इसमें, तो जब एक बार गिरते गिरते जब बढ़ने लगती है प्लेटलेट्स की जब संख्या गिरते गिरते जब बढ़ने लगती है, तो क्या होता है कि फिर जो डेंगू नामक जिस रोग से हम लोग प्रभावित होता है शरीर, उससे क्या होता है रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। जब एक बार प्लेटलेट्स की संख्या बढ़नी शुरू होती है तो फिर वो गिरती नहीं है, तो फिर वो क्या होती है कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। तो ये हम लोग है आज का जो टॉपिक है वो प्लेटलेट्स है। तो देखिए इसको मिटा देता हूँ, जनरल चीजें थी। अब देखिए प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट जो होता है वो रुधिर स्कंदन मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? प्लेटलेट्स। जो कभी चोट लगने पे या फिर कुछ कहीं भी कटने पे, हाथ पांव में कहीं भी कुछ भी चोट लगती है, तो उस समय जो रक्त का जो थक्का जमता है जिसे रुधिर स्कंदन बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, तो इसके माध्यम से होता है, तो ये प्लेटलेट्स के माध्यम से ही होता है। तो देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 1 सप्ताह। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 1 सप्ताह। प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है वो होता है 1 सप्ताह। और दूसरी चीज कि जो प्लेटलेट्स का निर्माण कहां पे हो रहा है, तो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण कहां पे होता है, तो अस्थि मज्जा में। तो दो चीजें हमने देखा, पहले प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो 1 सप्ताह होता है। दूसरा चीज प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो अब देखिए जो प्लेटलेट्स है ये इसमें क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जिसे बोलते हैं। प्लेटलेट्स में क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या करता है कि जब भी चोट लगती है, जब भी रक्त का जब रिसाव होता है, जब भी रक्त निकलता है, जब भी रक्त स्त्रावित होता है, तो क्या होता है, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है।
जो कि कहाँ पाई जाती, किसमें पाई जाती है, प्लेटलेट्स में। ये सबसे पहले जो सक्रिय होती है, तो यही सक्रिय होती है जब रक्त का ब्लड का निकलना शुरू होता है। ये क्या करती है कि प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करती है। प्रोथाम्बिन प्रोथाम्बिन व फाइब्रिनोजेन प्रोथाम्बिन व फाइब्रिनोजेन को क्या करती है, सबसे पहले एक्टिव करती है। कौन करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यदि पूछा जाए कि ब्लड के निकलने पे, ब्लड के स्त्रावण पे जो सबसे पहले जो सक्रिय अवस्था में कौन आता है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको एक्टिव करती है, प्रोथाम्बिन को और फाइब्रिनोजेन को। तो देखिए कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है, वो देखिए ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का थक्का कैसे जमता है। देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर में तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज यकृत वाला वीडियो जाके देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन, तो देखिए प्रोथाम्बिन प्रोथाम्बिन अब प्रोथाम्बिन अब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथाम्बिन जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है, ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। किसमें पाया जाता है? तो प्लेटलेट्स में पाया जाता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोथाम्बिन किसमें बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। अब देखिए प्रोथाम्बिन का तो यहाँ पे उपयोग हो गया, अब क्या होता है फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। अब फाइब्रोनोजेन क्या होता है, इसी थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, इसी थ्रोम्बिन की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, ये देखिए फाइब्रोनोजेन है, थ्रोम्बिन है, किसमें बदल जाएगा, फाइब्रिन में। ठीक है, ठीक है, कैसे हुआ एक बार आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहे तो फिर हम लोग इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखिए प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स क्या है, एक प्रकार की रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। अब प्लेटलेट क्या होता है, संख्या में 3 लाख होती है। प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है वो 1 सप्ताह होता है। प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब देखिए प्लेटलेट में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन क्या करती है कि सबसे पहले रक्त के स्त्रावण में, रक्त जब जैसे ही ब्लड का ब्लड निकलना शुरू होता है हमारे शरीर से चोट लगने के दौरान या किसी भी माध्यम से, तो सबसे पहले कौन सी कौन एक्टिव होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन एक्टिव होता है। जो कहाँ पाई जाती है, तो ये प्लेटलेट्स में पाई जाती है। अब देखिए ये जो प्रोथाम्बिन है, ये फाइब्रोनोजेन, ब्लड क्लॉटिंग में ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यदि एग्जाम में आए कि प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजेन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, यकृत में, मैंने सॉरी हाँ यकृत में, लीवर, लीवर में, यकृत में प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजेन। जो हम लीवर वाला जो हम लोग का चैप्टर है उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया। अब देखिए प्रोथाम्बिन है, प्रोथाम्बिन की उपस्थिति, प्रोथाम्बिन जो है प्रोटीन फाइब्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बिन में। अब देखिए अब फाइब्रिनोजेन क्या करता है, थ्रोम्बिन से क्रिया करके क्या बना देता है, फाइब्रिन बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। फाइब्रिन क्या है, एक रेशेदार संरचना होती है। फाइब्रिन क्या होती है, एक रेशेदार संरचना होती है। तो फाइब्रिन क्या करता है, ये फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड सेल जो होती है हमारी, ब्लड सेल जो हमारी कोशिकाएं होती है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, थक्का बना लेता है। इस प्रकार हमारा रक्त का थक्का बन जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, फिर से बता देता हूँ। देखिए प्लेटलेट्स में क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो ब्लड क्लॉटिंग में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तीनों निभाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक्टिव होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, प्रोथाम्बिन फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन क्या करता है, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। अब फाइब्रिनोजेन क्या करता है, इस थ्रोम्बिन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। अब देखिए फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन क्या होता है, एक रेशेदार संरचना होती है, रेशेदार संरचना होती है।
ये क्या करती है, ब्लड सेल्स से मिलकर क्या बना लेती है, थक्का बना लेती है, क्लॉटिंग बना लेती है। बस हमको प्लेटलेट्स में बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं पढ़ने के लिए प्लेटलेट में। तो जो हम लोग को प्लेटलेट्स है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट रहता है। तो आप लोग इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं कि जो हमारा टॉपिक अब जो है वो है क्या, ब्लड ग्रुप। फिर हम लोग बढ़ेंगे ब्लड ग्रुप में। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप में। तो अब हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। हम लोगों ने आरबीसी देख लिया, आरबीसी हो गया हमारा, डब्ल्यूबीसी हो गया, और प्लेटलेट्स भी हो गया। ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, ब्लड ग्रुप में। हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह। अब देखिए क्या हुआ कि जो ब्लड ग्रुप का जो अविष्कार मतलब कि खोज हुई, ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई वह हुई 1901, 1902 में हुई, 1901 और 1902 में इसकी खोज हुई। पहले होता क्या था कि जैसे कभी किसी को चोट लगी या एक्सीडेंट की स्थिति में क्या होता था कि एक आदमी से ब्लड निकाला दूसरे आदमी में चढ़ा दिया। तो होता क्या था कि कई बार क्या होता है कि जैसे 10 लोगों में ब्लड चढ़ाया तो 5 लोग बचते थे, 5 लोग तुरंत खत्म हो जाते थे। तो इसका जब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने जब इसका मतलब कि खोज की, इसका पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बात सामने आई कि जो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कई प्रकार से पाया जाता है, और इसका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, एंटीजन। एंटीजन का अलग अलग पाया जाना हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो जो 1901 और 1902 में जिस वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो थे लैंड स्टिंगर। लैंड स्टिंगर ने क्या किया था कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उन्नीस सौ दो के आसपास, 1901 और 1902 के आसपास इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने बताया था कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड मतलब कि जो मनुष्यों में जो ब्लड में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ए बी और ओ। इन 3 प्रकार के एंटीजन के बारे में इन्होंने बताया था। किसने बताया था, लैंड स्टीनर ने। देखिए ब्लड ग्रुप है, अब लैंड स्टीनर ने बताया था 1901 में और 1902 में इसकी खोज की थी। तो 1901 और 1902 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी, एंटीजन बताया था कितने प्रकार के, ए ए बी और ओ। अब देखिए अब क्या हुआ कि स्टालरिन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ए बी नामक एंटीजन, देखिए ए बी और ओ प्रकार के जो एंटीजन की बात कही थी वो किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। और जो ए बी प्रकार के एंटीजन की जो बात कही थी वो किसने की थी, स्टालरिन ने की थी। तो अब कितने ब्लड ग्रुप हो गए हमारे पास, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ, 4 प्रकार के जो एंटीजन पाए जाते हैं ब्लड में। यदि एग्जाम में आया कि मानव शरीर के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, सीधा आंसर ए बी और ओ, कितना हो गया, 4 हो गया। आसानी से इसका आंसर आप लोग कर जाएंगे। अब देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी दो अलग अलग चीजें हैं। चलिए इस अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, सपोज ये बैक्टीरिया है, अब क्या करता है कि जो ह्यूमन सेल है, मानव शरीर की जो कोशिकाएं है, इसको इन्फेक्टेड कैसे करता है ये देखते हैं।
ये जैसे ये देखो ये बैक्टीरिया है, अब देखिए बैक्टीरिया हमारे सेल को कैसे इन्फेक्टेड करती है। तो ये देखिए बैक्टीरिया क्या करेगा, जो कोशिका होगी कोशिका में क्या करेगा, एक एंटीजन मतलब एक प्रकार विशेष प्रकार का प्रोटीन का स्त्रावित कर देता है। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन यहाँ पे स्त्रावित किया, ये प्रोटीन है जिसे बैक्टीरिया ने यहाँ पे स्त्रावित कर दिया, इसे क्या बोलते हैं एंटीजन बोलते हैं। जिस विशेष प्रकार के प्रोटीन का बैक्टीरिया ने कोशिका में स्त्रावित किया उसे क्या बोलेंगे एंटीजन बोलेंगे। अब देखिए जो सेल होती है उसकी स्वयं की क्या होती है एंटीजन होता है, उसका स्वयं का एंटीजन होता है। ये एंटीजन क्या करता है कि एंटीबॉडी के निर्माण के लिए, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उसको क्या करता है उत्प्रेरित करता है। ये हमारा यहाँ पे एंटीबॉडी बना, देखिए फिर से एक बार देखिए, ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन सेल है, ये इस सेल में क्या किया कि इस बैक्टीरिया ने यहाँ पे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का स्त्रावण कर दिया। ये जो प्रोटीन है जिसका यहाँ पे स्त्रावण किया उसे क्या बोलेंगे एंटीजन बोलेंगे। अब देखिए जितनी भी सेल होती है उसके स्वयं भी क्या होता है, उसका स्वयं का एंटीजन होता है। ये एंटीजन क्या करता है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। देखिए यहाँ पे ये इसी के उत्प्रेरण के दौरान यहाँ पे एंटीबॉडी बना, तो क्या होता है कि एंटीबॉडी जो होता है इस बैक्टीरिया को, जो यहाँ पे प्रोटीन जिसका इस बैक्टीरिया ने यहाँ पे प्रोटीन स्थापित किया है, इसको क्या करता है डाइल्यूट करने का काम करता है, मतलब इसको नष्ट करता है। तो जब इसको नष्ट कर देगा तो हमारी कोशिका क्या होगी बाहरी आघातों से स्वयं की सुरक्षा कर पाती है। तो चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी आपकी। अब देखिए आपने देखा होगा कि ये चार मैंने यहाँ पे बताया, चार प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अब देखिए यहां से समझिए, एक अब देखिए एंटीजन जो होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग, एंटीजन जो होता है कभी भी एंटीबॉडी के समान नहीं होता है। यदि वहां पे ए एंटीजन है तो वहां पे ए एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, वहां पे कौन सा एंटीबॉडी पहुंच जाएगा बी। देखिए कैसे ये, अब देखिए एंटीजन यहाँ पे क्या होता है समान होता है, यहाँ पे ए है मतलब ए बी, बी है तो बी ए बी है, क्या हो जाएगा ए बी, और ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। याद रखने वाली बात है ए में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। अब देखिए ये ए बी ओ, यहां पर इसको थोड़ा समझा, ये एंटीजन है, ये आपका क्या है एंटीजन, ये आपका क्या है एंटीजन है, और ये क्या है एंटीबॉडी। ए का एंटीबॉडी क्या होगा बी होगा, बी का एंटीबॉडी क्या होगा ए होगा, ए बी का एंटीबॉडी क्या होगा कुछ नहीं होगा, डी का ओ का एंटीबॉडी क्या होगा ए बी होगा। अब देखिए ये एंटीजन है, ये जो है ये एंटीजन है, ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी जब दोनों सेम होंगे तो ब्लड का ट्रांसफर मतलब रक्त का दान नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो क्या होगा ब्लड हम लोग क्या कर सकते हैं डोनेट कर सकते हैं। इस केस में ब्लड क्या हो जाएगा डोनेट हो जाएगा। ये ए है यहाँ पे बी है, मतलब एंटीजन यहाँ पे बताया मैंने, एंटीजन इक्वल इज नॉट इक्वल टू एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक ही नहीं हो सकते। फिर देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी एंटीजन है, यहाँ पे बी एंटीजन है, यहाँ पे अगर ए है, अरे यहाँ पे यदि ए है ए एंटीजन है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी ए है, तो क्या ब्लड का ट्रांसफर होगा तो क्या है ये सिंबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे भी ए है, ये देखिए ये ए, तो ये ए और ये दोनों सेम है तो यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए है, तो देखिए ए है तो यहाँ पे क्या है ए बी है, तो ए बी है तो ट्रांसफर हो जाता, बट यहाँ पे क्या है ए है, जिसके कारण से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए बी,
बी है यहाँ पे, तो इसका एंटीजन क्या है, बी है। अब इसका भी एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, बी। दोनों बी और ये बी दोनों क्या हो गए, समान हो गए, तो यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए ये यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है यहाँ पे ए है, दोनों असमान है, तो यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड का ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए भी है, बी है यहाँ पे ए के कारण ये हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, बी भी है, तो उसके कारण से यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे ए भी है, तो देखिए ए भी है, तो यहाँ पे यदि ए होता तो यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, ए भी है और यहाँ पे बी एंटीबॉडी है, तो यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए ए बी ए नहीं होगा, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं, यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे भी ए बी, तो क्या होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो देखिए अब दो चीज आपको नोट करनी चाहिए, ये एंटीजन है और ये क्या है अपना, एंटीबॉडी। इसको नोट कर लीजिए, ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी। अब देखिए यहाँ पे दो चीज आपको नोट करना चाहिए, कौन सी दो चीज, कि ए बी को देखिए, ए बी सार्वत्रिक ग्राहक, ग्राहक ग्रुप, मतलब सभी ब्लड ग्रुप को जो ले सके वो कौन सा ग्रुप है, ए बी। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। एबी में किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो क्या करता है, सभी ब्लड ग्रुप को अपने में, मतलब सभी ब्लड सर्वाधिक ग्राहक, ग्राहक ग्रुप कौन सा होता है, एबी, इसलिए इसे सार्वत्रिक ग्राहक ग्रुप कहा जाता है। वही बात की जाए यहाँ पे ओ की। अब देखिए ओ में क्या है, ओ में क्या है कि ओ में एक भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का एंटीजन यहाँ पे नहीं पाया जाता। अब देखिए किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ये क्या करेगा कि सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट आपको ये लिखना है कि ए बी में, सॉरी ओ में, ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, इसी कारण से सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कहते हैं, रक्तदाता समूह। तो ये दो चीजें अब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी दो, इन्हीं दो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ए बी और ओ। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, कैसे ब्लड ग्रुप होता है, कैसे एंटीजन होता है, कैसे एंटीबॉडी होता है, कैसे काम करते हैं, किस कारण से ए बी सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है बट किसी को दे नहीं सकता, केवल किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। वो कैसे सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है बट ले किसे सकता है, तो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। तो कैसे हम लोगों ने देखा ब्लड ग्रुप के बारे में, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी ब्लड ग्रुप और प्लेटलेट्स के बारे में। तो यदि आप चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।